हेलो फ्रेंड्स, मैं उत्कर्ष मिश्रा और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी लेक्चर्स बाय दर दुबे में। आज हम डिस्कस करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ मूसा। डॉक्ट्रिन ऑफ मूसा क्या होती है? तो सबसे पहले जो डॉक्ट्रिन ऑफ मूसा है वो मुस्लिम लॉ के हिबा गिफ्ट के अंदर एक टॉपिक है। मुस्लिम लॉ के गिफ्ट के अंदर एक टॉपिक है जिसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ मूसा कहते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ मूसा को हनाफी डॉक्ट्रिन ऑफ मूसा भी कहते हैं। तो मूसा जो वर्ड है इसकी ओरिजिन अरबिक वर्ड सुया से हुई है जिसका मीनिंग है कंफ्यूजन। ठीक, तो डॉक्ट्रिन ऑफ मूसा जो है वो मेनली समझ लीजिए आप गिफ्ट है, एक तरीके से गिफ्ट को डील करती है, हिबा को डील करती है। तो ये उस तरीके के गिफ्ट को डील करती है जिसमें को ओन्ड गिफ्ट होता है या ज्वाइंट ओन्ड गिफ्ट होता है। जैसे कोई प्रॉपर्टी है उसके को ओनर है या ज्वाइंट ओनर है, मतलब उस प्रॉपर्टी के कई ओनर है, तो उस प्रॉपर्टी को कैसे गिफ्ट किया जाएगा, किस तरीके से गिफ्ट किया जाएगा, इस चीज को डॉक्ट्रिन ऑफ मूसा डील करती है। तो जैसे मान लीजिए एक कोऑन्ड प्रॉपर्टी है, ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, ठीक। तो वो ज्वाइंट प्रॉपर्टी को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, पहला डिविजिबल एंड दूसरा इंडिविजिबल। या तो वो जो प्रॉपर्टी है उसको डिवाइड किया जा सकता है या उस प्रॉपर्टी को डिवाइड नहीं किया जा सकता है। जैसे डिवाइड अगर नहीं किया जा सकता तो वो प्रॉपर्टी हो सकती है कुआं, बेल या सीढ़ियां, स्टेयर्स। अब स्टेयर्स और कुएं को तो आप डिवाइड कर नहीं सकते, तो ये हो गया इंडिविजुअल प्रॉपर्टी। तो अगर कोई पर्सन इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को गिफ्ट करता है, कोई पर्सन इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को गिफ्ट करता है तो वो गिफ्ट कर सकता है, क्योंकि इस पर डॉक्ट्रिन ऑफ मूसा अप्लाई नहीं होती है, क्योंकि उस प्रॉपर्टी को डिवाइड किया ही नहीं जा सकता है। ठीक, अब आते सेकंड पे डिविजुअल प्रॉपर्टी। अगर प्रॉपर्टी को डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है, अगर दो पर्सन है ए ओ बी और किसी प्रॉपर्टी के ओनर है, ठीक, और प्रॉपर्टी को डिवाइड किया जा सकता है। जैसे एक बंगला है उसको डिवाइड किया जा सकता है, तो ए ने अपने शेयर को किसी सी पर्सन को गिफ्ट कर दिया तो ये इनवैलिड होगा, इरेगुलर होगा, क्योंकि पार्टीशन यहाँ पे हो सकता है, प्रॉपर्टी को डिवाइड किया जा सकता है। तो ये तभी वैलिड होगा जब प्रॉपर्टी ए और बी के बीच में डिवाइड कर दी जाएगी, उसके बाद ए अपनी प्रॉपर्टी को सी को गिफ्ट करेगा, तभी ये वैलिड होगा। और तब वैलिड नहीं होगा जब विदाउट पार्टीशन या विदाउट डिवीजन ए अपने शेयर को सी को गिफ्ट कर देता है। ठीक, तो अब आते हैं एक्सेप्शंस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ मूसा। डॉक्ट्रिन ऑफ मूसा के एक्सेप्शंस क्या क्या है? तो सबसे पहला ये है गिफ्ट ऑफ मूसा टू कोएयर। ठीक, अगर कोई प्रॉपर्टी है उसके दो कोएयर है, ठीक, उस प्रॉपर्टी को ए और बी है, इन दोनों को ही मिलना है, ठीक है। तो ए अपनी प्रॉपर्टी को, जो कि प्रॉपर्टी अभी अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी का पार्टीशन नहीं हुआ, प्रॉपर्टी डिवाइड नहीं हुई है ए और बी के बीच में, तो अगर ए अपने हिस्से की प्रॉपर्टी को बी को गिफ्ट कर देता है तो ये वैलिड होगा। ठीक है, इस पर डॉक्ट्रिन ऑफ मूसा अप्लाई नहीं होगी। सेकेंड, गिफ्ट ऑफ शेयर इन जमींदारी। गिफ्ट ऑफ शेयर इन जमींदारी ये पहले प्रिवेल करता था, लेकिन अब ये इनवैलिड है, इरेगुलर है, क्योंकि जमींदारी प्रथा अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गई है इंडिया में। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और थैंक यू।